हम यही कहना चाहते हैं कि जो कल दिलदोज वाका जो रोनमा हुआ गणबल इलाके में, उसके लिए हमने अथवाज गोवा हमेंटी फिर शाना बशाना लोगों के साथ खड़ी रही। अथवाज गोवा हमेंटी ने यही सोचा कि जो लोग परेशान हाल है, जिनके दिल मजरू हुए हैं, जो ताजुद कुर्सी के लिए आते जाते रहते हैं, जो दूर दराज इलाकों से आते जाते हैं, उनके लिए अथवाज गोवा हमेंटी ने कुछ रिफ्रेशमेंट रखे हैं, जस्ट लाइक कश्मीरी तारी है, वाटर है, जूसेस है, बनाना है, यहाँ तक कि हर की मेडिसिन भी रखा है हमने। जो हम SDRF जो अमला है, पुलिस है, जो ताजिद के लिए जो जाते हैं, जहाँ ताजिदपुर ताजिद कुर्सी हो रही है, उनको भी हमने इस तरह के रिफ्रेशमेंट दिए हैं। और बाकी जो वाटर भी हम दे रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे से हम इस काम में लगे हुए हैं। अथवाज ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने कल जब सुबह ये दिलदोज वाका हुआ, तो उसके बाद 9 बजे हमारी सारी टीम लेड बाय हमारे जो चेयरमैन हैं अथवाज ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी के रूह खिलाई साहब, इनके नेतृत्व में सारे जितने भी हमारे वॉलंटियर, जो 50+ हमारे वॉलंटियर जो मेरे पीछे आप ये सारे हमारे बहुत बड़ी टीम एक वॉलंटियर्स की देख रहे हैं, एक कश्मीरियत की हमने एग्जाम्पल सेट यहाँ पे की, इसलिए क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कि कल से कम 10 से 20 हज़ार लोग इस साइड पर विजिट किए। क्यों विजिट कर रहे हैं? एक कश्मीरियत की वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्यों विजिट कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो एक सॉलिडेरिटी, जो फैमिली जिनके साथ ये वाका हुआ है उनको एक सॉलिडेरिटी की मैसेज दे रहे हैं। इसमें हमने लोग देखे जो कुपवाड़ा से, लोलाब से, अनंतनाग कोलगाम से भी आए हैं, और उनके लिए हमने छोटा मोटा एक कैंप यहाँ पे इंतकाद किया है, जिसमें पानी का और खाने पीने का जो कश्मीरी तहर हमने यहाँ पे बनाई थी, ताकि वो उन लोगों तक पहुंचे जो दूर दूर से आए। क्योंकि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज एक्चुअली विदाउट द शॉप्स, यहाँ पे आपको ज्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी और इस इलाके में आपको कहीं भी कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं मिलेगा। इसलिए अथवाज ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने कल अपने वॉलंटियर्स को लेकर, सब टीम को लेकर यहाँ पे आए, और कल 9 बजे से अभी तक हमने जितने भी यहाँ वॉलंटियर्स है, पूरी टीम है, वो यहाँ पे खड़ी है, और हमने अपने हिसाब से अहद किया है कि जब तक हम ये पूरा रेस्क्यू, जब तक ऑपरेशन चल रहा है, हम यहाँ पे रहेंगे, चाहे किसी को मेडिसिन की कोई जरूरत हो, चाहे किसी को पानी की जरूरत हो, खाने पीने की कोई जरूरत हो, सैन वी विल बी प्रोवाइडिंग दैट ऑल। तो ये एक मैसेज हमारी तरफ से सारे एनजीओज को ये रहेगी कि बेसिकली कि एनजीओज का एक बहुत बड़ा रोल है, जो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल अदा कर भी सकती है, जैसे अथवाज ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने कल किया, हम इसी लेवल पे हम इसको आगे भी ले सकते हैं। और इंशाल्लाह ऐसी चीजें जैसे भी अल्लाह ताला पहले बचाएं कि ऐसा कभी, ऐसे वाकये कभी हमारे साथ यहाँ पे हो जाए, लेकिन जब भी कभी होगा, जैसा कभी भी एनजीओज की कहां भी जरूरत होगी, हमारे जितने भी अलाइड एनजीओज होंगे, वो आपको शाना बशादा उन सारे लोगों के साथ जो गमजदा हमारे यहाँ पे अभी फैमिलीज है, उनके साथ शाना बशादा मिलेंगे।